हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप लोग? चैनल क्यों बोलती हूँ मैं, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज जो मेरा व्लॉग है वो आप घूमने के लिए हम ही दोस्त हैं। कई बार तो सब ठीक है। हाँ, टू मच भीड़। कहीं पर भी रख दो, मैं नहीं खाऊंगी। आप नहीं खा लूंगी? खा लूंगी, आधा खा लूंगी। लाओ पकड़ लो। क्या पकड़ो? सामान नहीं, एक घर से खा लेंगे ना। मम्मी आज डांटेंगे यार, मेरा पर्स से मनी नहीं भरता, दसवां पर्स है। दोस्त की तरह हम मार्केटिंग कम करते हैं और थकते ज़्यादा हैं। मेरा नेल पेंट मुझे तीन ने दिया जब हम स्कूल में थे ना, मुझे नेल पेंट देखे पता क्या याद आ रहा है? वो आते थे ना उससे नाखून पर से वाइट 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 करते थे भैया। क्या आप अरे मैंने मुझे वो वाला जो ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने ये भी बोला था कि आज मैं आई हूँ, मम्मी ने मुझे डांटा, पापा ने सुना होगा ना, सॉरी मामा ने, उसके लिए कुछ नहीं कहा। अरे मेरे पापा ना मेरे को देखते हैं ना, मेरे पापा को लगता है सारी लड़कियाँ ऐसी मेरे बारे में। भैया आप आठ आठ ढूंढ रहे हो क्या? तभी आठ भी ढूंढ लो। मेरा बच्चा खाना जैसे वहां पे कोई पूछ रहा था, ये लोग वैसे ही देगा आपने। हेलो, पूछ तो ऐसे जैसे मना कर गया क्या? हेलो, कैसा लगा आपको आज पूरे दिन? बहुत मज़ा आया, घूम के तीन दिन से रो रही थी तो आज मज़ा आया। डांट देना आज जल्दी निकल गए क्योंकि डांट खा के आए थे ना। अच्छा बस पोज मार रही हो? ओ हो
तो चलता है। आठ नंबर टेबल पे जल्दी खाना परेशान कर दिया बर्गर को इधर कर दिया आपने देखा कि मैं मार्केटिंग करके आई हूँ तो मैंने मार्केट में सारी चीज़ें नहीं दिखाई कि मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं क्योंकि इतनी भीड़ थी मार्केट में इतनी ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती और सच में नहीं बता सकती मतलब बहुत गंदी वाली भीड़ थी। तो दूध कार्टून देखा है चाय बेटा दादी बजबे दूध पी बोले जिब्बा जिब्बा लाडो लाडो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। मैं ईशानवी के लिए एक ड्रेस लेके आई हूँ जो ड्रेस मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी क्योंकि वो ड्रेस मैंने रख दिया है कहीं और इसलिए वो ड्रेस मैंने उसको पहनाया था उसकी छोटी सी रील बनाई थी तो मैंने वो ड्रेस की बस जो फोटोज ले रखी है वो ड्रेस मैं दिखा दूंगी आपको और बाकी मैं चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ क्या नहीं। ये पीछे देखो शीशे में मैं दिख रही हूँ टिंटरों पहले बताओ ये मेरा नेल पेंट कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना। और ये जो दो वॉचेस हैं ये मैं 500 का लेके आई और बस तो बस मेरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है मुझे तो बहुत पसंद आया ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ। तो मैं ये शर्ट लेके आई अपने हस्बैंड जी के लिए और ये शर्ट मतलब वहाँ का मार्केट अगर आप अच्छे दुकान में जाओ तो कपड़े आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और आप ऐसे नॉर्मली भी लो ना तो भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे तो वहाँ की चीज़ें बहुत पसंद आती है और वहाँ की जो खास बात है वो ये है कि वहाँ पे सारे के सारे न्यू कलेक्शंस होते हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और ये मैं एक नॉर्मली ऐसे जैसे अभी मैं गया जाने वाली हूँ तो मैंने ये ट्रेन में पहनने के लिए मैंने ये हल्का सा स्लीपर लिया स्लीपर हील टाइप जो भी हो ये था तो ये था 250 रुपये का। और दिस इज़ ये मैंने ब्लाउज़ लिया है ये ब्लाउज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सीक्वेंस ब्लाउज़ है तो मतलब मुझे ऐसे भी सीक्वेंस वाले जो कपड़े होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है तो ये मैंने ब्लाउज़ लिया है। एंड माय मोस्ट फेवरेट मेरा पर्स ये पर्स जो है ये मैंने 600 रुपये का पर्स लिया है और ये बहुत प्यारा पर्स है मतलब इसके अंदर स्टोर भी है और सबसे अच्छा मुझे इसका लॉक लगा ऐसे करेंगे तो लॉक लग जाएगा लॉक खुल गया। और इसमें ना सामान रखने के लिए जगह भी बहुत चाहिए ये है एक चैन ये है फिर ये है फिर ये है एंड पीछे। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं ये ब्यूटीफुल इयर रिंग लेके आई जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इयर रिंग का ऐसा है मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं इयर रिंग लेती लेती हूँ तो मुझे ये इयर रिंग बहुत पसंद आई। और मैंने ये एक मंगलसूत्र लिया मंगलसूत्र ये बहुत सुंदर है मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ ये 160 का है एंड ये 550 रुपये का है तो सबके रेट के साथ बता देती हूँ। और मैं आपको ये मंगलसूत्र खोल के दिखाती हूँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर है ऐसे छोटू सा एकदम प्यारा सा बहुत अलग अपनी तरफ से। एंड इसके बाद अगर मैंने उनके लिए लिया तो फिर मुझे मेरे लिए भी लेना बनता है ना ये मैंने अपने लिए लिया कैसा है ब्यूटीफुल ना। टाइम देखो मैं कितनी रात में ब्लॉग बना रही हूँ आप लोग टाइम मेंशन करना ठीक है अगर लोग टाइम मेंशन नहीं करेंगे आप लोग तो फिर मैं ऐसा सोचूंगी कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। बस क्या देख रही हो बेटा क्या देख रही हो कार्टून देखो ये क्या टकला कार्टून देख रही है हम्म